तो दोस्तों आज भारत के मित्र फ्रांस की तरफ से भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी और अच्छी खुशखबरी निकल के सामने आई है और जल्द ही भारत और मित्र फ्रांस मिलकर कुछ ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं जिससे भारतीय वायुसेना की जो आवश्यकता है उसको पूरा किया जाएगा। दरअसल आप सभी को पता है कि हमें 114 नए फाइटर जेट चाहिए और फ्रांस जो है वो भारत को राफेल का F4 वेरियंट बेचना चाहता है, परंतु अभी भी भारत ने फ्रांस के साथ 114 राफेल फाइटर जेट की जो है वो साइन नहीं की है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है राफेल का प्राइस। दरअसल भारत ने फ्रांस से कहा था कि आपने जो राफेल F4 का प्राइस रखा है 2,000 करोड़ रुपए वो हमारे लिए थोड़ा सा कम कर लीजिए क्योंकि हम एक साथ 114 फाइटर जेट ले रहे हैं। तो फ्रांस ने कहा कि हम आपके लिए राफेल का प्राइस कम नहीं कर सकते हैं, इसके बदले आपके यहाँ पर हम राफेल की पूरी फैक्ट्री लगा देंगे और साथ में इसके मेंटेनेंस और रिपेयर का जो लाइसेंस है वो भी हम आपको दे देंगे, परंतु प्राइस हम कम नहीं कर पाएंगे। अब फ्रांस ने भारत से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि फ्रांस ने ऑलरेडी 80 फाइटर जेट की जो डील है वो यूएई के साथ 19 बिलियन यूरो के अंदर साइन कर ली है और जो 80 राफेल F4 हैं वो फ्रांस अब यूएई को बेचने वाला है और ऐसे में यदि फ्रांस भारत को राफेल का प्राइस कम कर देगा तो फिर यूएई भी कहेगा कि हम भी तो आपसे 80 राफेल फाइटर जेट ले रहे हैं तो आप हमारे लिए भी राफेल फाइटर जेट का प्राइस कम करो और ऐसा करके आगे जितनी डील होगी राफेल F4 की उनमें फ्रांस को अपने राफेल का प्राइस घटाना पड़ेगा और इसके कारण से फ्रांस को बिलियंस ऑफ डॉलर का घाटा होगा क्योंकि फ्रांस ने राफेल F4 को बनाने के लिए 2.3 बिलियन डॉलर खर्च किए हैं और इसलिए फ्रांस भारत के लिए चाहकर भी राफेल फाइटर जेट का जो प्राइस है वो चाहकर भी कम नहीं कर पाएगा। परंतु अभी हाल फिलहाल में भारत, फ्रांस और इसके अलावा यूएई के बीच में एक राफेल फोरम बन रहा है जिसके माध्यम से फ्रांस, भारत और यूएई के लिए राफेल फाइटर जेट सस्ती से सस्ती कीमत के अंदर उपलब्ध कराएगा और साथ में राफेल फाइटर जेट की जो फैक्ट्री है वो भी भारत को मिल जाएगी। बेस यदि 2000 करोड़ के अंदर भारत राफेल लेता है तो भारत को 2,28,000 करोड़ चुकाने होंगे जबकि भारतीय वायुसेना के MRF टेंडर के लिए सरकार ने 1,60,000 करोड़ यानी 20 बिलियन डॉलर का बजट रखा है। इसी कारण से अब तक राफेल फाइटर जेट की जो खरीदी है वो अधड़ में लटकी हुई है। साथ में भारतीय वायुसेना ने अभी तक RFP भी जारी नहीं की है जो कि इसी साल के अंत तक जारी भी हो सकती है और कुल मिलाकर बात यह है कि भारतीय वायुसेना का जो MRF टेंडर है वो अब कंप्लीट होने वाला है, इसलिए फ्रांस भारत के साथ राफेल फाइटर जेट की डील को लेकर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रखना चाहता, इसलिए भारत के लिए फ्रांस अब बड़ा कदम अवश्य उठाएगा। फिलहाल में आप सभी इस टॉपिक के अंदर क्या राय है और क्या हमें राफेल F4 लेना चाहिए या फिर कोई दूसरा फाइटर जेट, कमेंट बॉक्स में फिर आवाज दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।